हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजीत आप सभी का अपने चैनल पढ़ाई हेल्पर पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी का 4.3 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस 4.1 एंड 4.2 एक्सरसाइज को डिटेल में समझा है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए देर न करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो एक्सरसाइज 4.3 का है, इसमें इन्होंने बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखो, एक्चुअल में अगर रूट्स एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ये डिपेंड करता है डी पे। तो डी आपका पता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अगर ये ग्रेटर देन है इक्वल टू 0 होता है तो रूट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक ना, रियल रूट होता है। अगर यही मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आ गया तो ये क्या होता है, रूट्स आर नॉट रियल। इस केस में क्या होता है, नॉट रियल रूट, ठीक, नॉट रियल रूट, ठीक, नॉट रियल रूट और रूट नॉट एग्जिस्ट, ठीक ना, इमेजिनरी रूट हो जाते हैं, रूट नॉट एग्जिस्ट, EXIST, ठीक। तो हमें बताना है इसमें कि अगर रूट एग्जिस्ट करता है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो आपको उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या बताना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप देख सकते हैं, पहले चेक कर लीजिए, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac कीजिए तो बी स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 इंटू 3 तो कितना होगा, 49 माइनस का, तो ये आपका कितना आ रहा है, 25। तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये ग्रेटर देन 0 है। दूसरे वाले का देखिए तो ये कर रहा है एग्जिस्ट, इसका देखिए, ठीक। पहले हम चेक कर ले रहे हैं किसका किसका एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम फिर क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। फिर इसका देखिए, इसका करेंगे बी स्क्वायर, क्योंकि देखो ये होता है जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी बी स्क्वायर क्या है, बी क्या है, एक्स का कोफिशियंट। यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस का 4, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए इंटू का सी, सी के जगह पे माइनस का 4 रखोगे, माइनस का 4 है ना सी के जगह पे, तो 1 माइनस का 4 माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे 4 टू जा 8 टू जा 16 प्लस का 16 17, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद देखिए इसका करेंगे तो 4√3 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 4ac ए इंटू सी, तो ये हो जाएगा 4 4 16 3 48 माइनस 48, ये 0 आ गया। तो आपको क्या बताया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होता है तो एग्जिस्ट करता है, करेगा, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 1 स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की जगह पे 2 और सी की जगह पे 4, तो देख रहे 1 माइनस 4 टू जा 8 टू जा 16 कितना आ रहा है, माइनस का 15, तो ये लेस देन 0 आ रहा है ना, ये 0 से भी कम आ रहा है तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब हम लोग पहला, दूसरा और तीसरा इन तीनों क्वेश्चन को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से स्क्वायर रूट, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसे इस क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक। सबसे पहले जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको इक्वल टू को उधर ले जाते हैं, लेकर चलते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू, इधर प्लस का 3 है इधर जाएगा माइनस का 3। अब दूसरा काम क्या होता है, जो x स्क्वायर का कोफिशियंट है इसको हम ट्राई करते हैं कि ये क्या बने, 1 बने। तो 1 बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। इधर तो 2 से 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का इसको करोगे तो 7/2x इक्वल टू माइनस का 3/2। अब हम इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए के जगह पे x और b के जगह पे देखिए क्या लिख सकते हैं ताकि हमें क्या मिले, b के जगह पे क्या लिखेंगे ताकि हमें 7/2 मिले। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखेंगे 7/4, 7/4 देखिए 7/4 लिखेंगे। अगर 2 से इसको कटाएंगे, इसको 2a भी हमें बनाना है, 2a भी बनाने का मतलब अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला टर्म 7/2x चला है, तो इसको देखिए 2 से कटाएंगे तो 7/2x आ जाएगा ना, तो 7/4 ये आपका हो गया 2ab।
अगर बताइए ये बी सेवन बाई फोर है तो बी स्क्वायर लिखेंगे ना, सेवन बाई फोर, सेवन बाई फोर का होल स्क्वायर माने उनचास अपन में सोलह, ठीक ना। ये बी है, बी है सेवन बाई फोर, तो सेवन बाई फोर का स्क्वायर लिखोगे ना बी स्क्वायर, तो उनचास बटे में सोलह। एक बात बताओ, अगर हमने इतना इसमें जोड़ा है तो इतना घटाना भी पड़ेगा, उनचास बटे सोलह इक्वल टू माइनस का तीन बटे दो, समझे। तो अब देखो इन तीनों को अगर देखोगे तो तुम्हारा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का टू ए बी, इसको क्या लिख सकते हो, एक बार और एक स्टेप लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का टू इंटू एक्स इंटू सेवन बाई फोर प्लस का सेवन बाई फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको उस साइड लेकर जाते हैं तीन बाई दो प्लस का उनचास बटे में सोलह। अब देखो क्या लिखोगे, ये तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस का टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये आपका बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स माइनस सेवन बाई फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करते हो, एलसीएम 16 आएगा, 8 बार जाएगा, 8 से 3 में मल्टीप्लाई करोगे माइनस 24 प्लस एक बार जाएगा यहां पे आएगा उनचास, इसमें से इसको करोगे कितना आएगा 25 अपन में 16, तो इसका मान कितना होगा 25 बटे 16, ठीक। तो एक बात देखो, तो आपके पास हमारे पास चला आया x माइनस सेवन बाई फोर का होल स्क्वायर का मान है इतना, तो उधर ले जाकर इसका स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लोगे तो कितना हो जाएगा ये पांच बटे में चार होगा ना, क्योंकि पच्चीस बटे को किले पांच इंटू पांच अपन में फोर इंटू फोर, जब इसको स्क्वायर रूट में डालोगे तो एक एक बाहर आएगा, समझ रहे हो। अब देखो यहां से हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस फोर, स्क्वायर रूट हटा देते हैं प्लस माइनस फोर के साथ लिखते हैं, ठीक ना। तो एक्स इक्वल टू या तो हो जाएगा पांच बट्टे चार, प्लस वाला ले रहे हैं ये इधर जाएगा तो सात बट्टे चार, ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस वाला, या तो एक ये हो सकता है या होगा इधर अगर माइनस पांच बटे चार लेते हैं ये इधर आएगा तो प्लस सात बटे चार, देख सकते हैं कितना होगा सात पांच बारह बटे चार, यानी ये कट के आएगा तीन और ये हो जाएगा दो बटे चार यानी एक बटे दो, तो इसका हमारे पास राइट आंसर आ रहा है तीन और एक बटे दो, इसका ये दोनों रूट्स आ रहे हैं। देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक ना। देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, ठीक, देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक ना, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, देख सकते हो दिया है टू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का फोर इक्वल टू जीरो, तो लिखोगे टू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स इक्वल टू फोर, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन बनाना है तो इधर भी दो से डिवाइड करोगे, यहां भी दो से डिवाइड करोगे, यहां भी दो से डिवाइड करोगे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय टू इक्वल टू टू। अब देखो इसको तो तुम लिख सकते हो ना, देखो इसको तो तुमने लिख लिया ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए लिख लिए, अब एक यहां पे एक ऐसा चूज करो अंक ताकि मल्टीप्लाई करें तो एक्स बाई टू आए, तो क्या लिखोगे एक बटे चार, समझ रहे हो ना, वन बाई फोर यहाँ पे अगर लिखते हो तो तुम्हारा क्या आएगा, दो से इसको कटाओगे तो एक्स बाई टू चला आएगा। अब देखो अगर हमने क्या किया है एक बटे चार, तो ये हमारे पास ये क्या है टू ये ए बी, बी मान लो इतना है तो बी स्क्वायर करोगे तो कितना होगा एक बटे में सोलह, समझे। तो अगर प्लस एक बटे सोलह किए तो माइनस का एक बटे सोलह भी करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा चलो इधर हम अगर एक बटे सोलह जोड़ रहे हैं तो इधर भी हमें एक बटे सोलह क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा दोनों साइड, समझे। अगर हमने इस इधर वन बाई सिक्सटीन ऐड किया है तो इक्वेशन को उधर साइड भी जोड़ना पड़ेगा ताकि कोई अंतर ना हो, समझ रहे हो। तो ये आपका तो बन गया मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस का, इसको लिख सकते हैं देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस एक बटे चार का होल स्क्वायर स्क्वल टू, इसको क्या करेंगे लिख देंगे सोलह टू जा थर्टी टू में एक वो ऐड करोगे थर्टी थ्री बाय सिक्सटीन, ठीक। ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर स्क्वल टू थर्टी थ्री अपन में सिक्सटीन, ठीक। अब देखो इसको क्या कर सकते हो हम, इसका हम एक काम कर सकते हैं एक्स प्लस एक बट्टे चार इक्वल टू प्लस माइनस रूट में थर्टी थ्री अपन सिक्सटीन, समझे, समझ रहे हो ना। इसको फिर अभी आई लिखोगे
अब इसको क्या करोगे आगे तुम लोग, हमारे पास इतनी वैल्यू चली आई, अब देखो क्या करोगे, एक बार x की वैल्यू प्लस वाले के साथ कंसीडर करोगे, जैसे x प्लस वन बाई फोर इक्वल टू रूट में 33 बाई रूट में 33, आ देखो रूट में यहाँ पे रूट में 16 है नीचे, तो उसका मान 4 आ जाएगा ना, रूट 16 का मान क्या लिख दोगे, रूट से बाहर निकाल के 4, एक्स प्लस वन बाई फोर इक्वल टू रूट 3 बाई माइनस का रूट 3 बाई फोर, ठीक। उसके बाद 1 बाई फोर को उधर ले जाकर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स इक्वल टू रूट 33 माइनस 1 बाई फोर, और यहां से आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस का रूट 33 माइनस का 1 अपान में 4। ये आपके क्या होंगे, दोनों रूट्स होंगे इस क्वेश्चन के, ठीक। इसका राइट आंसर क्या आएगा, यही आएगा, समझे, एक्स रूट 33 माइनस 1 बाई फोर, एक माइनस का रूट 33 माइनस 1 अपन 4, ठीक। तो हमने इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक। कभी भी आपको जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है तो जो कांस्टेंट रहेगा उसको क्या करोगे, इक्वल टू को उधर भेज दोगे, फिर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है इसको हम लोग एक बनाने की कोशिश करेंगे, तो एक बनाने के लिए अगर दो है तो जितनी नंबर होती है उससे क्या कर देते हैं, पूरे टर्म में डिवाइड कर देते हैं, अगर पूरे टर्म में डिवाइड किए तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू टू बना। अब देखो ये हमारे पास ए स्क्वायर हो गया प्लस का टू, ए के जगह पे एक्स स्क्वायर ए, अब बताओ यहाँ पे एक तुम्हें अपने मन से अंक चूजना था ताकि मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाए, 1 बाई एक्स बाई टू आ जाए, तो यहाँ पर अगर 1 बाई फोर रखते हो तो देखो 2 इंटू एक्स, अगर 1 बाई फोर रखते हो तो इसको कटाओगे तो 2 बार में कटेगा तो हमारा एक्स बाई टू चला आएगा, तो देखो ये 2 ए बी, अगर बी ये है तो बी स्क्वायर 1 बटे 16 होगा, तो अगर मान लो इधर हमने 1 बटे 16 ऐड किया इधर साइड में तो उसके साइड भी तो ऐड करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन में कोई अंतर ना आए, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर चला आया, ठीक। तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, देखो थर्ड वाला क्वेश्चन देखने में थोड़ा ऑड लग रहा है लेकिन क्या है, इन दोनों के कंपेयर में बहुत ज्यादा इजी है, देखो उसको अगर तुम करते हो तो अपने आप में क्या दिया है, एक स्क्वायर दिया है, देख सकते हैं, जैसे जैसे हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन में दिया है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट में 3x प्लस का 3 इक्वल टू 0। देखो फ्रेंड्स इसको क्या लिखोगे, इसको ए स्क्वायर बनाओ, ए स्क्वायर प्लस का इसको क्या लिख सकते हो, ये बी स्क्वायर अगर है तो रूट 3 का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पे 2x और बी के जगह पे क्या है रूट का 3 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हमें कुछ जोड़ने घटाने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, इस वजह से हमने इसके कोफिशियंट को भी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं सोचा, ठीक। अगर आप कोफिशियंट को चेंज करके भी अगर करते हैं तो यू विल गॉट सेम आंसर, ठीक ना, सेम रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक। एक बार हम ऐसे कर देते हैं, उसके बाद देखिए इसमें आप कुछ रखा नहीं है, ये आपको हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका बन गया 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो सिंपली से आपके पास आंसर आ जाएगा 2x प्लस रूट 3 और दूसरा भी हो जाएगा 2x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा 2x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, ये भी हो जाएगा 2x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, यहां से आपके आंसर कितने आएंगे, x इक्वल टू माइनस का रूट 3 बाई 2, ये भी आपका वही आएगा x इक्वल टू माइनस का रूट 3 बाई 2। इस कंडीशन में आपका जब दोनों इक्वल रूट आ रहे हैं तो d क्या आता है 0, यानी b स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू क्या आता है 0, जो हमने यहाँ पे आपको करके दिखाया भी था, ठीक। अगर d 0 आता है तो दोनों रूट्स क्या होते हैं, बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रियल, ठीक। देखिए अगर इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको करते हैं तो देखिए सिंपल सा एक रिजल्ट बनेगा हमारे पास, अगर वैसे भी करते हैं तो क्या, जैसे हमने आपको बताया है कि अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है तो पहले कांस्टेंट टर्म को उधर फेंक दो, इधर भेज दो इसको, अब कोफिशियंट को क्या बनाओ, एक बनाओ, एक बनाने के लिए 4 से डिवाइड, इसको भी 4 से डिवाइड, इसको भी 4 से डिवाइड, अब बताओ 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी ये कट जाएगा तो 2 इंटू एक्स, अब बताओ 2 इंटू ए हो गया, बी को क्या करना है, बी ऐसा अंक यहाँ पे रखो यहाँ पे ताकि मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाए रूट का 3 आ जाए, तो रूट का 3 लाने के लिए आप बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे, सोचो किससे मल्टीप्लाई करोगे, रूट का 3 बाई 2,
इससे मल्टीप्लाई करोगे तभी ना, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो दो दो कट जाएगा, रूट थ्री एक्स आ जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर रूट थ्री कर दिए तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा हमारे पास तीन बटे में चार। इधर हम ऐड करेंगे तीन बटे चार, तो उधर भी तो ऐड करना पड़ेगा तीन बटे चार, समझे, ताकि इक्वेशन में कोई अंतर ना आए। ये हमारे पास बन गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को देखो उसको कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू इंटू रूट थ्री बाई टू प्लस का, इसको क्या लिखोगे रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करोगे तो जीरो। ये आपका बन गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हो एक्स प्लस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सिंपली सा यही रिजल्ट हमारे पास उस समय भी आया था, एक्स इक्वल टू रूट थ्री बाई टू और रूट माइनस का रूट थ्री बाई टू, सेम रिजल्ट, ये आपका आंसर। ठीक, तो कभी भी आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करता है तो कॉन्स्टेंट टर्म को उधर भेजिएगा, एक्स स्क्वायर को कोफिशियंट को वन बनाइएगा, बीच वाला जो टर्म रहेगा इसको टू ए मिल जाएगा, बी को अपने हिसाब से ऐसे अरेंज करिएगा कि जो आपके पास ये एक्स कोफिशियंट वाला टर्म दिया है वो मिल जाए, और उसके बाद जो मिलेगा इधर ऐड कर दीजिएगा, उधर साइड भी ऐड कर दीजिएगा, फिर सॉल्व कीजिएगा। ऐसे आप करते हो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। अगर फिर भी आपको नहीं आया तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। ठीक, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वेश्चन नंबर वन एबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, जो हमने क्वेश्चन नंबर वन में अभी जो रूट्स निकाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, अब इसको हम क्या करना है, क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला होता है उससे निकालना है। तो पता है फ्रेंड्स, आपके पास फॉर्मूला हमारे जो आता है रूट्स का डायरेक्टली क्या निकाल के लाते हैं हम लोग, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी अपान में टू ए। ठीक, अगर एक रूट निकालते हैं तो देखो माइनस का बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी अपान में टू ए, और दूसरा रूट्स लिखते हैं हम लोग दूसरा वाला एक्स टू क्या माइनस बी माइनस का ब्रेकेट में रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन में टू है। हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक ना, ये दो फॉर्मूले हैं ये और ये, इसके बेस पे हम लोग करेंगे। हमारे पास जो सिंपल जनरल फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो आप देख सकते हैं अब इसके हिसाब से हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, इसके हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो हमारे पास बी का क्या हो जाएगा सेवन, तो माइनस का बी के जगह पे सेवन प्लस माइनस अंडर रूट, अच्छा प्लस वाला निकालते हैं पहले, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सेवन का स्क्वायर माइनस का फोर इंटू ए के जगह पे टू और सी के जगह पे थ्री अपान में टू इंटू ए के जगह पे टू, तो देखते हैं ये आपका सेवन हो जाएगा प्लस ये आपका ब्रैकेट में कितना हो जाएगा उनचास रूट में उनचास माइनस का फोर टू जा एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, तो ये फोर्टी नाइन माइनस ट्वेंटी फोर अपन में फोर, तो ये आपका हो जाएगा सेवन प्लस का और ये आपका हो जाएगा रूट में ट्वेंटी फाइव, तो रूट में ट्वेंटी फाइव अपन में फोर। तो देखो क्या लिखोगे, सेवन प्लस का रूट में ट्वेंटी फाइव का मान पांच अपन में फोर, तो कितना होगा बारह बट्टे में चार, क्या आ जाएगा तीन, एक रूट कितना आएगा तीन। दूसरे रूट के लिए क्या करोगे, यहाँ पे बस सिंपली ये जो आ रहा है यहाँ पे माइनस लगा दोगे, जैसे माइनस का बी माइनस का ब्रेकेट में रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन में टू ए, तो बी के जगह पे क्या है माइनस का सेवन माइनस का बी स्क्वायर का मतलब माइनस सेवन का स्क्वायर माइनस का फोर इंटू ए के जगह पे टू और सी के जगह पे तीन, तो ये आपका हो जाएगा सेवन माइनस का ये रूट में उनचास माइनस का चौबीस, तो ये आपका हो जाएगा अपान में टू ए करोगे टू ए का मतलब टू इंटू टू फोर, तो ये आपका हो जाएगा सेवन माइनस का उनचास उनचास में से चौबीस जाएगा रूट में पच्चीस अपान में फोर, इसका मतलब क्या हो जाएगा सेवन में से ट्वेंटी फाइव का रूट निकालोगे पांच तो दो बटे में चार, ये कट के क्या आएगा एक बटे में दो, तो इसका हमारे पास रूट आ जाता है तीन और एक बटे में दो, जो हमने फाइनली वैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी किया था तो वही आया था। तो फ्रेंड्स कभी भी ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन पे क्या करना है वैल्यू पुट कर देना है,
और आपके पास चला आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में अगर कोई डाउट हो, अगर आपको वैल्यू नहीं पुट करने आ रहा हो, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा। अब ये जो दोनों क्वेश्चन है वो आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपको अगर नहीं आता है तो आपको हम पर्सनली बताएंगे, लेकिन आप क्या कीजिएगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए अगर नहीं आता है तो।